नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ कह दो तो लाइव डिबेट में उनको मिर्ची लग जाती है। कई बार तो देखा गया है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव डिबेट छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं, उन पर निजी टिप्पणी करते हैं, उसका कुछ नहीं। ताजा मामला है रागिनी नायक से जुड़ा हुआ। रागिनी नायक का नाम पिछले काफी वक्त से चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस की बेबाक प्रवक्ता वो हैं और अपनी बात बड़े धड़ल्ले से रखती हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो चर्चा में थी इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा को लेकर। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रजत शर्मा कथित तौर पर गाली देते हुए नजर आए। लोगों ने उन पर आरोप लगाए। क्या कहा रजत शर्मा ने ये कोई नहीं जानता, बस उनकी लिपसिंग को पढ़ा गया और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए रजत शर्मा ने रागिनी नायक को गाली दे दी। 4 जून का ये वीडियो बताया गया, लेकिन इस पर माहौल बना लगभग एक हफ्ते के बाद। रागिनी नायक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंसू बहाने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि देखिए किस तरीके से मेरा अपमान किया गया है। कुछ लोगों ने रागिनी नायक का समर्थन किया और कहा कि रजत शर्मा को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि रागिनी नायक एक हफ्ते बाद जागी हैं, वो तब जागी हैं जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। हालांकि आपको बता दें इस वीडियो में रजत शर्मा स्पेसिफिकली रागिनी नायक को कुछ नहीं कहते हुए नजर आए, बल्कि वो दाएं बाएं देखते हुए कुछ टिप्पणी करते हुए नजर आए। क्या उन्होंने कहा ये एग्जैक्टली ना हम जानते हैं ना एग्जैक्टली इसकी कोई पुष्टि कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो लिपसिंग पढ़ने का दावा कर रही हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने गाली दी। खैर, ये रागिनी नायक जो कल तक अपने लिए आवाज बुलंद कर रही थी, आज नरेंद्र मोदी पर कैसे टिप्पणी कर रही है जरा देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की, एक 2014 के नरेंद्र मोदी और एक 2024 के नरेंद्र मोदी। दोनों तस्वीरों में नरेंद्र मोदी के बालों पर फोकस किया है रागिनी नायक ने, बाकायदा सर्कल करके वो फोटो शेयर की गई है और लिखती है असली विकास तो यहां हुआ है। इस फोटो के जरिए रागिनी नायक ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पहले नरेंद्र मोदी के सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराकर अपने बालों को उगवा लिया है और शायद इसीलिए वो कहती हुई नजर आई। अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि असली विकास यहां हुआ है। अब जैसे ही रागिनी नायक का ये ट्वीट सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे एक यूजर ने लिखा, असली विकास, इसमें रागिनी नायक की 2 तस्वीरें शेयर की गई है। एक में रागिनी नायक बहुत पुरानी उनकी तस्वीरें जिसमें वो काफी दुबली नजर आ रही हैं, और एक तरफ उनकी ताजा तस्वीरों को शेयर करके उनकी बॉडी शेमिंग एक तरीके से करने की कोशिश की गई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस सृष्टि नाम के यूजर ने रागिनी नायक को सबक सिखाने के लिए शायद ये शेयर किया है। इसके अलावा यही यूजर लिखती है, वैसे एक बात कहना चाहूंगी रागिनी नायक जी, दोनों ही तस्वीर में आप सुंदर लग रही हैं, मगर सिर्फ सूरत की सुंदरता ही काफी नहीं होती, उससे ज्यादा जरूरी सीरत की सुंदरता मायने रखती है, मगर आपकी सीरत जग जाहिर होती रहती है आपके इस तरह के दुष्कृत्यों से, और हाँ सुंदर तो पूतना और शूर्पणखा भी थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो रागिनी नायक को इसी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्या खाती हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर रागिनी नायक को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।